मध्य प्रदेश के घने जंगल में एक खूंखार भेड़िया रहा करता था। वो भेड़िया बहुत ही निर्दयी था। अपनी भूख मिटाने के लिए हर रोज किसी न किसी जानवर को मार डालता था। पूरे जंगल में खूनी भेड़िये का आतंक फैला हुआ था। एक दिन की बात है, एक बकरी जो कि गर्भवती थी, जंगल में हरी ताजी घास चर रही थी और साथ में भेड़िये के आ जाने के डर से घबरा भी रही थी। जल्दी जल्दी घास चरकर मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। अगर वो खूनी भेड़िया आ गया तो मुझे मार ही डालेगा। बकरी जल्दी जल्दी घास खाकर पानी पीने के लिए तालाब की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे ऊंट बैठा हुआ दिखा। ऊंट बकरी से पूछने लगा, अरे बकरी बहन, कहाँ जा रही हो? ऊंट भैया, मैं पानी पीने तालाब पर जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ तालाब पर चलोगे? नहीं बहन, अभी तुम्हें जुगाली कर रहा हूँ। तुम चलो, मैं थोड़ी देर के बाद पानी पीने जाऊंगा। और जरा सावधानी से जाना, वो शिकारी भेड़िया किसी भी समय हमला कर सकता है। अब ठीक है भैया, मैं पूरी सावधानी से जाऊंगी। और फिर बकरी वहां से चली गई। बकरी तालाब पर आकर पानी पीने लगी और जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी, तभी वहां पर भेड़िया गुर्राने लगा। शिकारी भेड़िये को सामने खड़ा देखकर बकरी डर के मारे थर थर कांपने लगी। भेड़िये ने कहा, बड़ी देर से मैं किसी शिकार की तलाश में भटक रहा था, लेकिन कोई शिकार हाथी नहीं लग रहा था। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं नहीं भेड़िये जी, मुझ पर दया करो। मैं गर्भवती हूँ, अपने मेमने को जन्म देने वाली हूँ। आप मुझे मत खाओ। मूर्ख बकरी, अगर मैं तुझ पर दया करूँगा तो खाऊंगा क्या? मुझे अपना पेट भरने के लिए तेरा मांस तो खाना ही होगा। भेड़िया अपना जबड़ा खोलकर बकरी को दबोचने ही वाला था कि तभी बकरी वहां से भाग गई। भेड़िया बकरी का पीछा करने लगा। बेचारी बकरी गर्भवती होने के कारण ज्यादा तेज नहीं भाग पा रही थी और सांस फूलने के कारण वो हाँफ भी रही थी। शिकारी भेड़िया बड़ी तेजी से उसके करीब आ गया। एक पेड़ के नीचे पहुंचकर बकरी की सांस फूलने लगी और थक जाने के कारण बकरी नीचे गिर गई। इतने में वहां भेड़िया भी आ गया और अपने दांतों और नुकीले पंजों से उसको घायल कर दिया। बकरी सहायता के लिए दूसरे जानवरों को पुकारने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस खूनी भेड़िये से बचाओ। पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ फल खा रहा था। बकरी की पुकार सुनकर उसने पेड़ से नीचे झांक कर देखा। अरे बाप रे, ये खूनी भेड़िया तो इस बेचारी बकरी को मारकर खा जाएगा। मुझे इस बकरी की मदद करनी चाहिए। बंदर पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर भेड़िये को फेंक कर मारने लगा ताकि भेड़िया बकरी से दूर हट जाए और बकरी को वहां से भागने का मौका मिल जाए। दो चार फल जब भेड़िये के जबड़े पर आकर लगे तो भेड़िया गुस्से में गुर्रा कर बंदर से कहने लगा, अरे हो बंदर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फल फेंक कर मारने की? याद रख, अगर तू मेरे हत्थे चढ़ गया ना तो मैं तुझे कच्चा चबाने में एक मिनट की भी देरी नहीं करूंगा। अरे जा, मैं बड़ा फुर्तीला बंदर हूँ, मैं 7 जन्मों तक भी तेरे हाथ नहीं आने वाला। अभी बंदर और भेड़िये की नोक झोंक चल ही रही थी कि वहाँ पर ऊंट भी आ गया। ऊंट घायल बकरी को देखकर ही सारा मामला समझ गया। ऊंट भेड़िये से कहने लगा, अरे ओ दुष्ट भेड़िये, तू इस गर्भवती बकरी को छोड़ दे, इस पर कुछ दया कर पापी। ऊंट के बच्चे, तू मेरे शिकार में बाधा मत डाल। क्यों आ गया तू यहाँ पर? यहाँ से भाग जा,
नहीं तो मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगा। ओहो, तू मुझे बकरी का मेमना समझा है क्या जो मुझे खा जाएगा? ऊंट ने एक जोरदार लात मार कर भेड़िये को जमीन पर गिरा दिया। बंदर भी पेड़ से नीचे उतर आया और एक लकड़ी से भेड़िये को पीटने लगा। तभी वहाँ पर एक गधा भी आ गया और भेड़िये को पिटते हुए देख उसने भी भेड़िये को दुलत्तियाँ मारनी शुरू कर दी। तीन तरफ से मार खाने के बाद भेड़िया दर्द से कराहने लगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मर गया रे, मार डाला रे, मार डाला। तभी ऊंट ने अपने जबड़े में भेड़िये का गला दबोच लिया और भेड़िये को ऊंचा उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। भेड़िये ने जमीन पर गिरते ही दम तोड़ दिया। ये देखकर बंदर खुशी के मारे उछल उछल कर चिल्लाने लगा। हमने शिकारी भेड़िये को मार डाला, हमने शिकारी भेड़िये को मार डाला। अरे अच्छा हुआ जो ये दुष्ट मारा गया, इससे जंगल का हर जानवर डरा हुआ था। हाँ भाई, ईश्वर की कृपा और हमारी एकता से आज इस दुष्ट भेड़िये का आतंक समाप्त हो गया। अब जंगल के सारे जानवर चैन से जी सकेंगे। तभी बकरी ने एक सुंदर से मेमने को जन्म दिया। ऊंट, गधा और बंदर मेमने को प्यार करने लगे। बकरी कहती है, तुम तीनों ने मेरी जान बचाकर सिर्फ मुझ पर ही नहीं, मेरे नवजात मेमने पर भी एहसान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बकरी बहन, तुम पर हमने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि एहसान तो हमें तुम्हारा मानना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कारण ही आज हमारी एकता को बल मिला है और ये दुष्ट भेड़िया मारा गया है। चलो चलो भाइयों, अब यहाँ से चलते हैं। चलो भाई चलो। मध्य प्रदेश के घने जंगल में एक खूंखार भेड़िया रहा करता था। वो भेड़िया बहुत ही निर्दयी था। अपनी भूख मिटाने के लिए हर रोज किसी न किसी जानवर को मार डालता था। पूरे जंगल में खूनी भेड़िये का आतंक फैला हुआ था। एक दिन की बात है, एक बकरी जो कि गर्भवती थी, जंगल में हरी ताजी घास चल रही थी और साथ में भेड़िये के आ जाने के डर से घबरा भी रही थी। जल्दी जल्दी घास चरकर मुझे अपने घर चले जाना चाहिए, अगर वो खूनी भेड़िया आ गया तो मुझे मार ही डालेगा। बकरी जल्दी जल्दी घास खाकर पानी पीने के लिए तालाब की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे ऊंट बैठा हुआ दिखा। ऊंट बकरी से पूछने लगा, अरे बकरी बहन, कहाँ जा रही हो? ऊंट भैया, मैं पानी पीने तालाब पर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ तालाब पर चलोगे? नहीं बहन, अभी तुम्हें जुगाली कर रहा हूँ, तुम चलो, मैं थोड़ी देर के बाद पानी पीने जाऊंगा। और जरा सावधानी से जाना, वो शिकारी भेड़िया किसी भी समय हमला कर सकता है। अब ठीक है भैया, मैं पूरी सावधानी से जाऊंगी। और फिर बकरी वहां से चली गई। बकरी तालाब पर आकर पानी पीने लगी और जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी, तभी वहां पर भेड़िया हुर्राने लगा। शिकारी भेड़िये को सामने खड़ा देखकर बकरी डर के मारे थर थर कांपने लगी। भेड़िये ने कहा, बड़ी देर से मैं किसी शिकार की तलाश में भटक रहा था, लेकिन कोई शिकार हाथी नहीं लग रहा था। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। नहीं नहीं भेड़िये जी, मुझ पर दया करो, मैं गर्भवती हूँ, अपने मेमने को जन्म देने वाली हूँ, आप मुझे मत खाओ। मूर्ख बकरी, अगर मैं तुझ पर दया करूँगा तो खाऊंगा क्या? मुझे अपना पेट भरने के लिए तेरा मांस तो खाना ही होगा।
भेड़िया अपना जबड़ा खोलकर बकरी को दबोचने ही वाला था कि तभी बकरी वहां से भाग गई। भेड़िया बकरी का पीछा करने लगा। बेचारी बकरी गर्भवती होने के कारण ज्यादा तेज नहीं भाग पा रही थी और सांस फूलने के कारण वो हाँफ भी रही थी। शिकारी भेड़िया बड़ी तेजी से उसके करीब आ गया। एक पेड़ के नीचे पहुंचकर बकरी की सांस फूलने लगी और थक जाने के कारण बकरी नीचे गिर गई। इतने में वहां भेड़िया भी आ गया और अपने दांतों और नुकीले पंजों से उसको घायल कर दिया। बकरी सहायता के लिए दूसरे जानवरों को पुकारने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस खूनी भेड़िये से बचाओ। पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ फल खा रहा था। बकरी की पुकार सुनकर उसने पेड़ से नीचे झांक कर देखा। अरे बाप रे, ये खूनी भेड़िया तो इस बेचारी बकरी को मारकर खा जाएगा। मुझे इस बकरी की मदद करनी चाहिए। बंदर पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर भेड़िये को फेंक कर मारने लगा ताकि भेड़िया बकरी से दूर हट जाए और बकरी को वहां से भागने का मौका मिल जाए। दो चार फल जब भेड़िये के जबड़े पर आकर लगे तो भेड़िया गुस्से में गुर्रा कर बंदर से कहने लगा, अरे हो बंदर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फल फेंक कर मारने की? याद रख, अगर तू मेरे हत्थे चढ़ गया ना तो मैं तुझे कच्चा चबाने में एक मिनट की भी देरी नहीं करूंगा। अरे जा, मैं बड़ा फुर्तीला बंदर हूँ, मैं 7 जन्मों तक भी तेरे हाथ नहीं आने वाला। अभी बंदर और भेड़िये की नोक झोंक चल ही रही थी कि वहां पर ऊंट भी आ गया। ऊंट घायल बकरी को देखकर ही सारा मामला समझ गया। ऊंट भेड़िये से कहने लगा, अरे ओ दुष्ट भेड़िये, तू इस गर्भवती बकरी को छोड़ दे, इस पर कुछ दया कर पापी। ऊंट के बच्चे, तू मेरे शिकार में बाधा मत डाल। क्यों आ गया तू यहाँ पर? यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगा। ओहो, तू मुझे बकरी का मेमना समझा है क्या जो मुझे खा जाएगा? ऊंट ने एक जोरदार लात मारकर भेड़िये को जमीन पर गिरा दिया। बंदर भी पेड़ से नीचे उतर आया और एक लकड़ी से भेड़िये को पीटने लगा। तभी वहां पर एक गधा भी आ गया और भेड़िये को पीटते हुए देख उसने भी भेड़िये को दुलत्तियां मारनी शुरू कर दी। तीन तरफ से मार खाने के बाद भेड़िया दर्द से कराहने लगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मर गया रे, मार डाला रे, मार डाला। तभी ऊंट ने अपने जबड़े में भेड़िये का गला दबोच लिया और भेड़िये को ऊंचा उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। भेड़िये ने जमीन पर गिरते ही दम तोड़ दिया। ये देखकर बंदर खुशी के मारे उछल उछल कर चिल्लाने लगा, हमने शिकारी भेड़िये को मार डाला, हमने शिकारी भेड़िये को मार डाला। अरे अच्छा हुआ जो ये दुष्ट मारा गया, इससे जंगल का हर जानवर डरा हुआ था। हाँ भाई, ईश्वर की कृपा और हमारी एकता से आज इस दुष्ट भेड़िये का आतंक समाप्त हो गया। अब जंगल के सारे जानवर चैन से जी सकेंगे। तभी बकरी ने एक सुंदर से मेमने को जन्म दिया। ऊंट, गधा और बंदर मेमने को प्यार करने लगे। बकरी कहती है, तुम तीनों ने मेरी जान बचाकर सिर्फ मुझ पर ही नहीं मेरे नवजात मेमने पर भी एहसान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बकरी बहन, तुम पर हमने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि एहसान तो हमें तुम्हारा मानना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कारण ही आज हमारी एकता को बल मिला है और ये दुष्ट भेड़िया मारा गया है। चलो चलो भाइयों, अब यहाँ से चलते हैं, चलो भाई चलो। सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर
संगठित रहना चाहिए, क्योंकि एकता की शक्ति से ही बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है।